वेलकम स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो हमारा आज का मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने इसका मेथड क्यूब स्क्वायर रूट में भी अप्लाई किया था, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट, फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक मेथड और बताऊंगा इससे रिलेटेड, जो कि बहुत ही अच्छा मेथड है, है ना। तो पहले मैं इसका देख लेता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो ऐसे भी कल कर ही चुके हैं, एक दो सम किया है हमने उस पर, तो वैसा ही प्रोसेस है। ज्यादा मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि ये सबको ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है, वो बोल रहा है कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ, आपके इसमें ही है, है ना, आपके नोट्स में ही दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे पहले क्यूब रूट स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, वैसे ही अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि वहां पे मैं दो का ग्रुप बनाता था, यहाँ पे तीन का ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 1728। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करते हैं, पहले टू से अप्लाई करते हैं। तो टू से कितना होगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा। ठीक है, ऐसे ही फिर से टू से करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा। फिर टू से करेंगे तो 2 2 जा 2 1 जा 2, है ना, फिर 2 6 जा। फिर टू से करेंगे तो कितना आएगा, 108। फिर टू से किया 54। फिर टू से कर दिया बच्चों तो 27। इस बार 3 से 9। फिर 3 से किया 3। फिर 3 से किया 1। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं तो ऑर्डर कितना है बच्चों, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा। अब जितने भी दिख रहे हैं सबको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 2 into कितने 2 दिख रहे हैं, 4 हो गए, 6 2 दिख रहे हैं, है ना, 6 number of 2 है। उसके बाद 3 number of 3 है, ठीक है, तो 3 number of 3 भी हमने लिख दिया। डिफरेंस बस इतना ही है कि हम उसमें 2 का ग्रुप बनाते थे, इसमें हम क्या बनाएंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे। क्योंकि क्या है बच्चों, क्यूब रूट है। ये 3 क्या डिनोट करता है कि अंदर जो 3 डिजिट होंगे वो बाहर आएंगे तो एक डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 डिजिट दिख रहा है, बाहर आएगा तो कितने में, 1 में। फिर ये बाहर आया तो कितने में, 1 में। फिर ये बाहर आया तो कितने में बच्चों, 1 में कन्वर्ट हो गया। तो कितना हो गया ये, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना होता है, कल लिखा ही है अपने, है ना, 12 होता है। 1728 का क्यूब रूट 12 होता है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी क्यूब रूट फाइंड किया बच्चों, वैसे ही आपको जितने भी नंबर्स दिखेंगे सबका हम क्या करेंगे, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो एक और बड़ा वाला कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट जो हम लेते हैं, इस बार थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। तो इस बार है बच्चों 97336, 97336 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं। दूसरा मैं लेता हूं यहां पे, क्या बोला हमने, 97336 सेकंड। सेकेंड में क्या फाइंड करना है हमें, क्यूब रूट ऑफ 97336। ठीक है, इसका क्यूब रूट हमें फाइंड करना है। तो जैसे अभी पहले किए थे वैसे ही करेंगे यहाँ पे भी, हो ना। कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे हम यहाँ पे। तो सेम वैसा ही प्रोसेस, सिर्फ देखेंगे कि पहले 2 से पहले अप्लाई करेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 से नहीं होगा तो इस तरह से 5 से, 7 से, इस तरह से अप्लाई करते जाएंगे। तो यहां तक तो हो गया। अब उसने क्या बोला है, क्या दिया हुआ है, 97336, हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करके दिखाना है 97336 का। तो बस वैसा ही प्रोसेस करेंगे, है ना, किसने से, 97336। फिर से 2 से अप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, है ना, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 2 जा 4, है ना, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। फिर 2 से 6 0 8, तो 2 से कैंसिल अब नहीं होता है। ठीक है, 3 से देखते हैं, 3 3 4 जा 12,
थ्री से भी नहीं होता है बच्चों, थ्री से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस बार किससे करते हैं, सेवन से करते हैं, सेवन वन जा सेवन, ठीक है, सेवन वन जा सेवन, फिर सेवन सेवन जा 49, ठीक है, सेवन वन जा सेवन, सेवन सेवन जा 49, फिर सेवन थ्री जा 7 से भी नहीं होता है, ठीक है। तो 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 11, 11, 11 से भी नहीं होता है, 13, 13 से डिवाइड करके देखो, 1 2 1 6 7 में 13, है ना, 1 1 7 4 6, 33 जा 39, 7 7, 13 से भी कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। 17, 17 से होगा, 6, तो 13 से भी नहीं होता है, 13 14, तो 7 से होगा नहीं, 14 का, तो 17 से करते हैं, 17 7 जा 1192, फिर 17 नाइन, 17 से नहीं होता है, तो 19 से, 19 से अप्लाई करके देखिए कितना है, 97336 ही है, कितना लिया था हमने, 97336 ही लिया था, ठीक है। तो ये और किससे होगा, डिवाइड तो सही किया था, 24 जा 8, 28 जा 16, 26 जा 12, फिर 26 जा 12, फिर 28 जा 16, फिर 2 से, 22 जा 4, 24 जा 8, 23 जा 6, 23 जा, फिर 24 जा 8, फिर 2 से, 22 जा 4, 21 जा 2, 26 जा 12, फिर 27 जा, तो 97336। मैं चेक कर रहा हूँ कि किससे कैंसिल होगा, ठीक है, आपको भी ऐसे ही ट्राई करना पड़ेगा। ये लगभग 23 से कैंसिल होगा सर, ठीक है। तो 23 से डिवाइड करके देखते हैं बच्चों, है ना, 23 से डिवाइड करके देखो, तो 12167, तो कैसे तुरंत पिकअप करना है वो आपको समझना पड़ेगा, टेबल रन होगा तभी याद होगा ये, है ना, 23 3 जा 23, 4 जा 23, 5 जा कितना होगा, 6, फिर 20 6 हो जाएगा, फिर 6 आया, 23 2 जा 46, फिर 027, 23 9 जा कितना हो जाएगा, 207, ठीक है। तो 23 से कैंसिल होता है ये, तो 23 से डिवाइड किया हमने तो कितना आया बच्चों, 529, फिर 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23, और फिर 23 से डिवाइड किया तो 1। तो इस तरह से हम करते हैं डिवाइड, है ना, हमें चेक करना होता है कि किससे डिवाइड हो रहा है, तो वो ना तो 11 से हो रहा था, ना 19 से, ना 17 से, डायरेक्टली किससे कैंसिल हो रहा था, वो 23 से कैंसिल हो रहा था, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर से वैसे ही, यहाँ पे क्यूब रूट का साइन, फिर कितने नंबर ऑफ टू है, थ्री नंबर ऑफ टू है, 23 थ्री टाइम्स है 23, ठीक है, यहाँ पे हमने 23 भी डाल दिया थ्री टाइम्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हम ग्रुप बना रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा ग्रुप है, जब ये बाहर आएगा तो कितने में हो जाएगा, टू,
और ये बाहर आया तो कितने में हो जाएगा बच्चों, 23। तो 23 इंटू 2 कितना मिलता है, 46। मतलब 46 का इसका क्यूब रूट कितना होगा बच्चों, 46 होगा। तो ये हमारा क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। ऐसे ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, कभी कभी डायरेक्टली 47 से कैंसिल होता है, तो उस समय आपको कितनी जल्दी पिकअप करना है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी हम एक मेथड बताएंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ उस मेथड को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा पॉइंट क्या है उसमें, जो रिमेनिंग है आप खुद से कर लेंगे, कैसे करना है उसको, है ना, वो खुद से आपको करना है। एक है बच्चों टू फाइंड क्यूब रूट बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो क्या है, अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट, दूसरा मेथड। वो हमारा पहला मेथड था, ये हमारा क्या है, सेकंड मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है, फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए अप्रोक्सीमेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गया आपका, ये कौन सा हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको अगर स्क्वायर रूट वाली कुछ बातें याद है तो यहाँ पे उस बातों को लाइए, है ना। स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे बच्चों, जब भी हमें कोई नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना होता था तो हम कितने डिजिट फाइंड करते थे, दो डिजिट पे एक डॉट लगाते थे, है ना। जैसे कि हम बोलते थे कि इसका क्यूब रूट फाइंड करो, 3, 2, 9, 5, 6, 7। तो पेयरिंग किधर से करते थे, इधर से करते थे, इस तरह से, है ना। तो जब स्क्वायर रूट था तो हम दो नंबर का ग्रुप करते थे, यहाँ पे क्या है बच्चों, क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट जब होगा तो किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो वो हम कैसे फाइंड करते थे कि कितने डिजिट होगा उसका क्यूब रूट में। मान लो कि नंबर ये है तो इसके क्यूब रूट में कितने डिजिट होंगे वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, है ना, स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट होता था तो हम क्या करते थे, डॉट यहाँ पे डालते थे, है ना, आपके नोट्स में भी दिया हुआ है। फिर एक नंबर छोड़ के फिर यहाँ पे देते थे, फिर यहाँ पे देते थे, और आगे नहीं दे सकते हैं, है ना, एक नंबर छोड़ के आगे डिजिट है ही नहीं। तो इससे कितना डिजिट पता चलता था कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, तो ध्यान से देखिए तो 1, 2, 3 डिजिट दिख रहा था। ऐसे ही ये स्क्वायर रूट नहीं है, इस बार क्या है, क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट में हम क्या करेंगे बच्चों, 3 डिजिट को छोड़, मतलब एक पे डाला हमने डॉट तो 2 डिजिट को छोड़ेंगे। पहले एक डिजिट को छोड़ते थे, अभी 2 डिजिट को छोड़ेंगे, उसके बाद डॉट देंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि कितने डिजिट का होगा इसका क्यूब रूट, क्यूब रूट कितने डिजिट का होगा, 1, 2 डिजिट का क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्यूब रूट में करते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड में ये पॉइंट हमारा बहुत जरूरी है, कितने डिजिट के बाद लेना है, 2 डिजिट के बाद लेना है। स्क्वायर रूट में क्या करते थे, 1 डिजिट के बाद ही डॉट ले लेते थे, लेकिन क्यूब रूट में क्या करना है, 2 डिजिट के बाद डॉट डालना है। अब यहां पे डाला तो यहां से 2 डिजिट के बाद 1, 2 डिजिट के बाद डॉट डाला, इस तरह से हम क्यूब रूट में करेंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज हम कैसे करेंगे वो देख रहे हैं यहां पे। तो सबसे पहले तो डॉट डालने के लिए सीख लिया हमने, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, डॉट डालना है। तो हम एक ऐसे ही नंबर ले लेता हूं, 466, आपके नोट्स का ही नंबर ले रहा हूं मैं, है ना। इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड से, है ना। तो यहां पे लिख देता हूं, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 46,656 बाई अप्रोक्सीमेशन मेथड, बाई अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। इससे हमें फाइंड करना है, इस मेथड का यूज करके हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है, सही है। तो मैं यहां पे लिख दिया, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 46,656 बाई अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब ध्यान से देखिए स्टेप फर्स्ट क्या होगा, है ना। स्टेप फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले डॉट डालने के लिए सीखेंगे। तो 46656 यहाँ पे हमने डॉट डाल दिया, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या बोला है कि एक पे अगर डॉट आप डालते हो तो आप उसके बाद 2 डिजिट के बाद डॉट डालोगे, ठीक है। तो जितने डॉट उतने नंबर ऑफ डिजिट्स उसके क्यूब रूट में, मतलब इसके क्यूब रूट में कितने डिजिट आएंगे बच्चों, 2 डिजिट, ये तो फिक्स हो गया। अब यहां करने के बाद, अब कल हमने कुछ आपको एक नोट्स में करके लिखाया था, क्या लिखाया था कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 6 है तो उसका क्यूब रूट भी कितने डिजिट, उसके क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पे भी कितना होगा बच्चों, 6 होगा। क्यों, क्योंकि 6 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो कितना देता है वो, कितना देता है, लास्ट में 6 ही देता है यूनिट डिजिट पे,
सिक्स एक ऐसा नंबर है बच्चों जिसको आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो, जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे हमेशा यूनिट डिजिट पे सिक्स ही आएगा। देखिए ना, हमने दो बार मल्टीप्लाई किया तो भी सिक्स, तीन बार मल्टीप्लाई किया तो भी सिक्स, फिर फोर्थ टाइम्स भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी यूनिट डिजिट पे कितना दिखेगा बच्चों, सिक्स ही दिखेगा। मतलब इसके क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पे कितना आएगा बच्चों, सिक्स आएगा। क्योंकि सिक्स का जब हम कल ही हमने पढ़ा था, हमने नोट्स में भी लिखाया था, आपको क्या लिखाया था नोट्स में याद है तो फिर से देख लीजिए उस नोट्स को, है ना। उसमें हमने लिखाया था कि हाँ, यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब ऑफ अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 2, 3, 7, 8 इज 8, 7, 3, 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसी तरह सिक्स का जब हमने देखा तो कितना आता है, सिक्स का क्यूब करने पे हमेशा उसके यूनिट डिजिट पे कितना आएगा बच्चों, सिक्स ही आएगा। तो इसके क्यूब रूट पे यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, सिक्स आएगा। अब यहां तक तो हमने देख लिया, अब ये सिक्स किस किसके लिए, ये पूरे के लिए आया सिक्स, ठीक है। इस पूरे पोर्शन के लिए क्यूब रूट कितना आया, सिक्स आया। अब हमें इस पोर्शन पे ध्यान देना है, रिमेनिंग पोर्शन कितना है बच्चों, 46, ठीक है। तो रिमेनिंग पोर्शन क्या है, 46, तो सिक्स तो इसके लिए आ गया, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या है, स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हमें यह देखना है कि 46 किसके किसके क्यूब रूट के बीच में आता है। तो ध्यान से देखिए, 4 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चों, 4 का क्यूब रूट, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 3 का क्यूब 27। मतलब 46 जो है 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आता है। हम 46 क्यों लिए, क्योंकि इतना का तो हमें पता चल गया कि लास्ट डिजिट पे कितना आएगा, 6 आएगा, और हमें पता है कि दो ही डिजिट आएंगे इसके क्यूब रूट में, तो एक डिजिट तो पता चल ही गया, मालूम हो गया, बचा कौन सा, एक डिजिट। एक डिजिट के लिए हमने क्या किया, इस तीन को छोड़ के ये वाला डिजिट हमने यहाँ पे लिया और देखा कि कितने कितने बीच में आता है वो। तो ध्यान से देखिए, तो 46 किसके किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है। मतलब इसमें हमें कौन सा लेना होता है, छोटा वाला लेना होता है। पहले स्क्वायर रूट में भी हम छोटे वाले ही लेते थे, तो स्मॉलर इसमें कौन सा दिख रहा है, 3। तो मतलब टेंथ डिजिट पे कौन सा आएगा, 3 आएगा। तो स्टेप 4 में हमारा क्या आंसर क्या होगा, आंसर ही मिल जाएगा। मतलब हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 36 आ जाएगा। मतलब 6 यहां से और 3 यहां से, ठीक है। ये 3 दिया हमें और ये क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है 6। तो समझ में आ रहा है, 3 कहां से आया, 6 कहां से आया, 6 ऊपर से आया और 3 कहां से आया बच्चों, इधर से आया। तो कितना आया हमारा क्यूब रूट, 36। किसका क्यूब रूट 36 आया, 46,656 का क्यूब रूट, ठीक है। 46,656 का क्यूब रूट कितना आया, कितना आया, 36 आया, ठीक है, 36 आया। समझ में आ रहा है ये, तो ये हमारा यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट यहां से और ये 6 यहां से, ठीक है, ये वाला 6, 36। अब 36 को दो बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 36 इंटू 36 कितना होता है, 1296, और 1296 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 4, 6, 6, 5, 6। समझ में आ रहा है, तो ये है हमारा मेथड ऑफ एप्रोक्सीमेशन टू फाइंड अ क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, है ना। तो ये जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा मेथड है ना, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और सिर्फ इसमें लॉजिकली हमें सोचना होता है कुछ और हमें आंसर मिल जाता है। तो ऐसे ही आपको खुद से करके देखना है ना, तो देखिए करके आपसे होता है कि नहीं अप्रोक्सीमेशन मेथड, आपने सीखा कि नहीं वो हम देखेंगे अभी। तो अब फिर से एक नंबर में लेता हूं, नंबर कितना दिया हुआ है बच्चों, 195112, फाइंड क्यूब रूट ऑफ, दूसरा आपके नोट्स का ही है, है ना, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 195112, ठीक है। चलिए ट्राई करके देखिए, दूसरा आपको खुद से ट्राई करके देखना है, दूसरा आपको करना है, है ना।
क्या है 195112 क्यूब रूट इसका फाइंड करना है। तो फिर से स्टेप फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, हमें लग रहा है कि आपने कर लिया ये स्टेप फर्स्ट, फिर से हम क्या लिखेंगे 195112 डॉट देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए स्टार्ट कहां से करते हैं, यहां पे, और यहां क्यूब रूट फाइंड कर लें इसलिए दो डिजिट के बाद डॉट देंगे। दो डिजिट के बाद कोई डिजिट है क्या, तो नहीं देना है डॉट, ठीक है, हो गया यहां तक। इससे हमें क्या पता चला कि इसके क्यूब रूट में दो ही डिजिट होंगे, ठीक है। तो अब हम पहले यूनिट डिजिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेप सेकंड इसमें हम यूनिट डिजिट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो टू क्या है हमारा, टू किसी नंबर का कोई नंबर अगर टू है तो वो टू उसके क्यूब रूट में नंबर कितना होगा, इसके क्यूब रूट में नंबर कितना होगा। तो हमने बताया था कल कि अगर किसी नंबर का लास्ट में टू है तो उसके क्यूब रूट में कितना, 8 जा कितना 64, और 64 8 जा कितना होता है 512, मतलब 8 के क्यूब में लास्ट डिजिट पे कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो यहाँ पे भी इसके क्यूब रूट में भी लास्ट डिजिट पे कितना होगा, इसके क्यूब रूट पे भी लास्ट डिजिट पे कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था। फिर से मैं आपको वो नोट्स याद दिलाता हूँ, नोट्स में हमने क्या लिखा था, नोट्स में लिखा हुआ था कि अगर एक नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 2, 3, 7 और 8, दैट इज 8732 यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब ऑफ ए नंबर हुज यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 इज 8732, ठीक है। मतलब अगर 2 है तो यूनिट प्लेस पे देखिए, तो 2 कब आता है, जब आप 8 को कितनी बार 64 और फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, तो कितना आया 512। मतलब यूनिट डिजिट पे 2 कब मिलता है, जब आप 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तब मिलता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। अब ये 8 किसके लिए है, ये 3 डिजिट के लिए 8 आ गया। अब हमें इसको देखना है, तो स्टेप थर्ड में हम क्या देखेंगे बच्चों, स्टेप थर्ड में बचा कितना, इसको छोड़ के कितना बचा 195। अब हमें यह देखना है कि 195 किसके किसके क्यूब के बीच में है। तो ध्यान से देखिए, 6 का क्यूब कितना होता है 216, मतलब इससे बड़ा है, तो 26 का क्यूब हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 5 का क्यूब कितना होता है 125, मतलब 5 के क्यूब से बड़ा है, है ना। मतलब ये दोनों के बीच में आ रहा है, किसके किसके बीच में आ रहा है, 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आ रहा है। और हम क्या जानते हैं कि हम छोटा वाला लेना है हमें, तो छोटा वाला कौन सा दिख रहा है बच्चों, 5 दिख रहा है। मतलब स्टेप 4 में क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप 4 में 58 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चेक करके देखते हैं सही है क्या, 58 आ रहा है हमारा आंसर, सही है, है ना। तो ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो आंसर कितना है बच्चों इसका, 58। ऐसे ही हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट अप्रोक्सीमेशन मेथड से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें आंसर कितना दिख रहा है, 58। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हम दे देते हैं अभी आपको खुद से करने के लिए, देखते हैं आपसे होता है कि नहीं अप्रोक्सीमेशन मेथड से। उसके बाद डिजिट्स इन क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिजिट्स इन क्यूब, तो अभी तो बताया ही है ना, पेयरिंग लगा के देखना है कि कितने डिजिट पे आ रहा है डॉट, है ना, उससे ही हमें पता चल जाता है कि उसके क्यूब रूट में कितने डिजिट होंगे। तो फिर भी एक सम कर लेते हैं, है ना, एक सम कर लेते हैं, क्या है हमारा, उसका क्यूब रूट भी फाइंड करेंगे और सम भी करेंगे। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिजिट्स, फाइंड द डिजिट्स इन क्यूब रूट, इन क्यूब रूट ऑल्सो फाइंड क्यूब रूट बाई अप्रोक्सीमेशन मेथड, बाई अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या बोला, पहले तो डिजिट भी फाइंड करो, और क्या फाइंड करो, डिजिट्स इन क्यूब रूट तो फाइंड करो ही, और क्यूब रूट भी फाइंड करो, किस कौन से मेथड से, अप्रोक्सीमेशन मेथड से, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है,
17528 तो पहले कर चुके हैं, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला करते हैं, 175616 ले रहा हूं मैं। दूसरा वाला लेता हूं 97336, ठीक है। इसमें डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स भी फाइंड करने हैं और क्यूब रूट भी फाइंड करना है। थर्ड में क्या है, थर्ड में हमारा 9261, ठीक है बच्चों, 9261, 9261। उसके बाद फोर्थ में क्या है, 6892, 6892100, ठीक है। तो चार ही करते हैं, ठीक है। तो करके देखिए कैसे फाइंड करेंगे, वो तो अभी बताया ही हमने कैसे करना है। यही स्टेप्स फॉलो करना है बच्चों, और कुछ नहीं, ठीक है। बस इतना ही स्टेप हमें फॉलो करना है इसमें, और हम क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे। तो कर लिया आपने, है ना। अब मैं चेक करता हूं, तो फिर से देखिए, पहले को ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ले रहा हूं। तो फर्स्ट में क्या है, 175 एंड 616। तो फिर से देखिए, यहां पे डॉट लेना स्टार्ट करेंगे, डॉट देना स्टार्ट करेंगे, दो डिजिट के बाद डॉट देंगे। मतलब कितने डिजिट आएंगे इसके क्यूब रूट में, दो डिजिट आएंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन क्यूब रूट, नंबर ऑफ डिजिट्स इन क्यूब रूट कितना हो जाएगा बच्चों, क्यूब रूट इक्वल टू कितना, टू, है ना। क्योंकि दो डॉट दिखे इसलिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, टू हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सिक्स है, तो सिक्स फिर से अभी हम थोड़ी देर पहले किए थे, तो सिक्स कितना आता है, इसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, सिक्स ही आएगा। क्योंकि सिक्स का अगर है किसी नंबर का क्यूब सिक्स है, तो उसके क्यूब रूट पे भी कितना आएगा, सिक्स ही आएगा। क्योंकि सिक्स को ही थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, नीचे यूनिट प्लेस पे हमेशा सिक्स ही आता है। अब यहाँ पे देखिए, ये सिक्स ये पूरे के लिए है, बचा क्या, 175। तो दूसरा स्टेप में क्या है, 175, मतलब 175 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। एक तो 5 का क्यूब के बीच में आएगा, दूसरा किसके क्यूब के बीच में आएगा, 6 के क्यूब के बीच में आएगा। तो हमें कौन सा लेना है बच्चों, छोटा वाला लेना है, ठीक है। मतलब यूनिट प्लेस पे 6 और 10 प्लेस पे 5 आएगा, है ना। तो आंसर कितना आएगा इसका क्यूब रूट का, 175 175 616 का क्यूब रूट का आंसर कितना आएगा, 56, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 56। ऐसे ही आपको चेक करते रहना है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, टू, और क्यूब रूट कितना आया, 56। ऐसे ही दूसरे, तीसरा और चौथे को करना है। तो फोर्थ वाला एक मैं कर देता हूं, बाकी आप दोनों खुद से कर लो, है ना। फोर्थ में क्या है बच्चों, फोर्थ में हमारा 6892100, ठीक है। तो फिर से देखिए, डॉट यहां पे देंगे, मतलब कि इसको छोड़ ही दो, डॉट को तो छोड़ दो, इसको भूल। ये तीन जीरो है, तो तीन जीरो कब आता है, जब 10 को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, तीन जीरो आता है। मतलब उसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा बच्चों, जीरो आएगा। क्योंकि जीरो को ही तीन टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है, मतलब 10 का क्यूब करने पे। तो यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, जीरो, ये तो फिक्स है। अब हम आते हैं इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक यहां पे दिया, तो एक यहां पे देना होगा, फिर उसके बाद कहां पे देना होगा, यहां पे देना होगा, ठीक है। दो दो डिजिट के बाद हम लेते हैं, तो कितना होगा इसमें, नंबर ऑफ डिजिट्स इन क्यूब रूट, नंबर ऑफ डिजिट्स इन क्यूब रूट कितना हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा। क्योंकि कितने डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे, वन टू एंड थ्री। यूनिट प्लेस पे कितना होगा, जीरो। यहाँ पे कितना है, वन, तो यहाँ पे वन। वन कब मिलता है, जब वन को आप थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तब आपको क्या मिलता है, वन मिलता है। लेकिन अगर कोई नाइन को लेते हैं तो स्क्वायर में वन मिलता है यूनिट प्लेस पे, क्यूब में कितना, नाइन ही मिलेगा, ठीक है। तो नाइन नहीं होगा, सिर्फ वन ही होगा यहाँ पे। इलेवन का करने पे, हाँ, तो इलेवन का करने पे होता है ना, वन ही आता है। मतलब अगर यहाँ पे वन है तभी वन आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम कितना ले लेते हैं, वन ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इसको तो, इसका तो हो गया, इसका भी हो गया। अब हमारा 68 है, तो 68 किसके किसके बीच में आता है, देखिए। तो 68 आता है 4 के क्यूब के बीच में और
फाइव के क्यूब के बीच में। तो कौन सा लेना है, छोटा वाला लेना है, मतलब आंसर कितना आएगा 41। ये 4 दिया हमें, ठीक है। जीरो कहाँ से आया, ये 3 0 था इसलिए 0 लिया, ये 1 था इसलिए 1 लिया। अब 41 नहीं, अगर बिलीव है तो 41 का स्क्वायर करके देख लीजिए कितना होता है, 1681 होता है ना, और फिर से 41 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 1 6 8 9 2 1 है ना। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 3, और क्यूब रूट कितना आ गया किसका, 6 8 9 6 8 9 2 1 ट्रिपल 0 का क्यूब रूट कितना आया, कितना दिख रहा है 410, 410 आया इसका क्यूब रूट। तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करेंगे और क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे। तो ये था हमारा क्या बच्चों, क्यूब रूट बाई अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड था जिसे कि देखना जरूरी था हमें। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड तो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सम ऑफ नंबर्स, है ना। मतलब क्यूब में या स्क्वायर में जब कोई नंबर्स दिया हुआ रहता है तो कितना आता है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला है बच्चों, जैसे कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, फिर सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। इस तरह से हम सारे फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आपके नोट्स के अकॉर्डिंग सम ऑफ नंबर्स, क्या है सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं सम ऑफ नंबर्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला है जो कि हमें लर्न करके रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। ये अभी के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बाद में के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर कोई इस तरह से सीरीज दिया हुआ है जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, है ना। लास्ट टर्म कितना है, n है, हमें पता नहीं कि कितना है तो n ले लिया हमने, ABCD कुछ भी ले सकते थे। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स अप टू n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, एन ब्रैकेट एन प्लस वन अपॉन टू। ऐसे ही दूसरा दूसरा हमारा क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें हमें स्क्वायर करना होगा, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहां तक, एन स्क्वायर तक। तो कितना हो जाएगा इसका, इसका फॉर्मूला अच्छे से याद से रखेंगे, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6, 2n+1 अपॉन कितना 6, ठीक है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो ये तो हमारा स्क्वायर का था, अब हम देखेंगे क्यूब का। तो क्यूब का क्या होता है, वही जो पहला वाला है उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, है ना, सम ऑफ क्यूब ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, यहां पे फर्स्ट लगा सकते हैं, फर्स्ट यहां पे भी फर्स्ट, यहां पे फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। उसी तरह तीसरा में क्या हमारा, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब क्यूब का होगा तो क्या होगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही करते हुए एन क्यूब। तो कितना हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है।
तो इस फॉर्मूले का यूज हम आगे जो सीरीज देंगे उस सब में हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले का यूज, तब तक कि इस फॉर्मूले को हम अच्छे से लर्न कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है।